पूरी लगन से अपना मोदी केयर व्यापार खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने अपने अधीन एक अच्छा खासा डाउनलाइन ग्रुप भी तैयार किया है जो इसी व्यापार में शामिल है। वो खुद के लिए और अपने अधीन काम करने वाले डाउनलाइन ग्रुप के लिए उन सबसे अच्छे तरीकों को समझना चाहते हैं ताकि व्यापार को दीर्घकालीन स्थिरता प्रदान करने में मदद मिल सके। व्यापार में संचालन एवं आचरण से संबंधित नियमों के बारे में आकाश के कुछ सवाल भी हैं, जिसके लिए उन्होंने मोदी केयर से संपर्क किया है। हेलो आकाश, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हेलो नेहा, मैं ये समझ चुका हूँ कि इस व्यापार में नेतृत्व महत्वपूर्ण है। एक अच्छे लीडर से क्या उम्मीदें की जाती हैं? आप सही सोच रहे हैं आकाश। जैसा कि आप जानते हैं कि ये व्यापार लोगों से जुड़ा है, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपने अधीन काम कर रहे लोगों के सामने अच्छे उदाहरण पेश करें ताकि वे उनका पालन कर सकें। अगर हम अपना व्यापार सही तरीके से करते हैं तो उससे हमारे डाउनलाइन के लोगों को सही दिशा मिलती है। उन लोगों का ध्यान हमेशा हम पर ही होता है, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वास्तव में एक अच्छे लीडर के तौर पर खुद को पेश करें। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो एक अच्छे लीडर को पता होना चाहिए कि उसके अधीन काम करने वालों के क्या सपने हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्लानिंग करने में वे मदद कर सके, साथ ही वे अपने अधीन काम करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण दे सके, प्रेरित कर सके, कोच बन सके या अपने नीचे काम करने वालों को मोदी केयर की फ्री मीटिंग में ले जा सके ताकि वे इसके प्रोडक्ट और उसके इस्तेमाल के बारे में अपना ज्ञान बढ़ा सके। उन्हें कंपनी के सभी प्रमोशंस सुनिश्चित करने होंगे। अपने ग्रुप को सभी ऑफर्स के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। लीडर को अपने अधीन काम करने वालों को स्वतंत्र रूप से ऑर्डर डालने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वाह, ये तो काफी अच्छा है। जी आकाश, एक अच्छे लीडर को अपने ग्रुप को सिर्फ MRP पर प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कोई महिला या पुरुष उतना ही खरीदेंगे जितना वे बेच सकते हैं या सेवन कर सकते हैं, और साथ ही अपने अधीन काम करने वालों को ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक लीडर को नीति संहिता और व्यापार के नियमों का पालन करना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि उनके ग्रुप के सभी कंसल्टेंट इसे सही तरीके से स्वीकार करें। मैं अपने ग्रुप के लिए एक अच्छा प्रेरणा स्रोत और लीडर बनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटरशिप का क्या मतलब है। आवेदक या सह आवेदक यानी एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट के तौर पर आप सिंगल डिस्ट्रीब्यूटरशिप नियम के तहत सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ही पा सकते हैं। पति और पत्नी एक ही संस्था के माने जाएंगे। अगर उन दोनों को व्यापार के साथ जुड़ना है तो उन्हें एक ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप का हिस्सा बनना होगा। अगर व्यापार सिर्फ पत्नी के नाम पर हो तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में पति को व्यापार में बराबर का जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही स्पॉन्सरशिप बिजनेस की अलग अलग लाइनों में अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप का संचालन करने वाले दो कंसल्टेंट अगर एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या उससे ऊपर के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, तो इनमें से एक को अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को सरेंडर करना होगा और अपने पति या पत्नी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप में पार्टनर बनना होगा। क्या मैं अपनी सास का नाम रजिस्टर करके उनके नाम से काम कर सकता हूँ? जी हाँ आकाश, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मोदी केयर किसी भी तरह के सम्मान के लिए स्टेज पर आपकी सास को ही मान्यता देगा। नियमों के मुताबिक हम रजिस्टर्ड MCA नंबर यानी मोदी केयर कंसल्टेंट ID को ही स्वीकार करते हैं। अच्छा ठीक है, क्या मैं अपने मित्र के साथ सह आवेदक यानी को एप्लीकेंट बन सकता हूँ? एक कंसल्टेंट सिर्फ एक ही MCA नंबर का इस्तेमाल कर सकता है। एक कंसल्टेंट किसी एक रजिस्ट्रेशन नंबर का एप्लीकेंट होते हुए दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पर को एप्लीकेंट नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह जैसे कि आप किसी एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर को एप्लीकेंट हैं, तो किसी अन्य रजिस्ट्रेशन नंबर पर एप्लीकेंट नहीं बन सकते।
अगर मोदी केयर का